पेपर लीक कांड को लेकर बड़ी खबर हमारे पास है, उससे आपको रूबरू करवा दें। नीट धांधली में एबीपी पर बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर। यह बड़ी खबर इस वक्त, नकल वाले हॉस्टल का मालिक एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज के साथ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त। लगातार जिस तरीके से तार जुड़ते ही जा रहे हैं, झारखंड टू बिहार, बिहार टू महाराष्ट्र, और प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, नकल वाले हॉस्टल का मालिक साथ है, उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल दीपा, ये बड़ी खबर है और हमारे साथ प्रभात रंजन हैं, जो मालिक हैं उस लर्न एंड प्ले, जिसे कहा जाता है कि वो एक सेफ हाउस के रूप में उसका इस्तेमाल हुआ था। प्रभात जी, सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल, क्या आपको, क्या आपकी जानकारी में थी ये बात कि वहाँ जिस किसी को आपने दिया है रेंट पर, वो प्रश्न पत्र लीक घोटाले में शामिल है? नहीं सर, हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें 6 तारीख के एक संजय जी व्यक्ति हैं जो बगल के मकान में रहते हैं, 4-5 मकान बाद, वो हमको 6 तारीख के 2 बजे सूचना दी कि आपके मकान पर छापामारी हुई है। उसके पहले मुझे किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं था। आपने किसको रेंट पर दिया था, क्या बताएंगे? मैं आशुतोष कुमार, मछरियामा का रहने वाला है, दनियामा प्रखंड, उनको मैं किराया पर दिया था। उसको आप कब से जानते हैं? उसको तो सर मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि यहाँ मैं दनियामा का प्रमुख रहा 6 से, और 11 में पंचायत समिति हुए, 16 में मुखिया हुए, तो मेरे क्षेत्र के रहने के कारण तो उसको मैं जानता पहचानता था। लेकिन मैंने सुना है कि आशुतोष पहले से ही गैर कानूनी कामों में लिप्त रहा है, उसका इतिहास जो है वो सही नहीं रहा है। ये बात तो सर हमें मालूम नहीं, और ऐसा कुछ पहले शिकायत नहीं था, नहीं तो मैं अपने बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ, मैं कहिए निकाल बाहर कर देता। लेकिन मैंने सुना है कि आपने आशुतोष को दिया, फिर आशुतोष ने किसी मनीष नाम के लड़के को दिया, फिर मनीष ने प्रश्न पत्र लीक वाले को दिया। ये तो किराए जो आपने दिया, एक को किराया दिया, फिर उसने उसको किराया दिया, तो ये आपको कब पता चला? ये सर तो हमें पता चला 6 तारीख को, जब ये घटना के बाद 4 तारीख का। पूरे प्रकरण में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये पूरे प्रकरण में मैं तो आशुतोष को जानता हूँ सर, आशुतोष को मकान दिया हूँ, कुछ भी मेरे नज़र में दोषी है तो बिल्कुल ही आशुतोष है। तो क्या पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, आप लोगों से पुलिस पूछताछ की है? नहीं, हमें से अभी तक पुलिस नहीं पूछताछ की है। और वो आशुतोष? आशुतोष से तो पुलिस है, वो तो मेरे यहाँ रहता नहीं है, मगर उम्मीद करते हैं कि अभी तक पूछताछ नहीं की होगी। और वो जो मनीष है? मनीष से भी पूछताछ अभी तक नहीं किया है पुलिस। तो ये तो घोर लापरवाही है ना? हाँ, तो पुलिस का तो लापरवाही है सर, प्रशासन के लिए लापरवाही है। हमें प्रशासन जब बुलावेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये जो संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, तो संजीव मुखिया का किससे रिश्ता है, आशुतोष से, मनीष से, या आपसे, किससे रिश्ता है? नहीं, हमें से तो संजीव मुखिया का हम पहचानते तक नहीं है। मनीष ने आपको बताया कि कैसे कैसे ये किराए पर दिया, लड़के आ गए, कब किराएदार खाली हो गया था, फिर ये बच्चे कहाँ से उसमें रटवाने के लिए आ गए? ये बात बतलाया 6 तारीख को, जब फोन से बात हुआ तो वो आशुतोष बोला कि हम कोडरमा घाटी में हैं, बिहार जमशेदपुर जा रहे हैं, हम उधर से लौटते हैं, तो ये हमको 8 तारीख के जानकारी दिया कि वो बूढ़ी जो था वो खाली कर दी थी, जो खुशरूपुर वाला किराएदार था उसको भी वही रखा था, हमें 3500 रुपया महीना निचला का देता था, 2 महीना बूढ़ी रही, 2 महीना का हमको किराया वो दिया था। ये मनीष जो किराए पर दिया था लड़कों को रटवाने के लिए प्रश्न पत्र लीक में, इसमें कितना किराया आपसे बात हुई थी? नहीं, इसमें हमें मालूम ही नहीं था किराए का बात कहाँ था। आशुतोष वही 5000 रुपया देता था, 5000 रुपया माह आशुतोष रहता था जिसका देता था। तो मनीष ने कबूल किया है कि उसकी गलती है, आशुतोष ने कबूल किया है? आशुतोष तो मेरे सामने कबूल कर भी किया कि हम भैया मनीष के कहने पर 8 तारीख को जब दोनों को बुलाए तो दोनों तो एक्सेप्ट कर भी किया कि हम मार दीजिए, गलती हमसे हो गया, समझ गए ना दोनों। पैसे के लोभ में ये सब कुछ हुआ है? हाँ, तो बिना पैसा के कौन करेगा सर, दोनों पैसा के लोभ में किया है। इन दोनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, हम हर समय तत्पर हैं, प्रशासन के मैं मदद करूँगा, भरपूर मदद करूँगा। इससे आपका नाम खराब हुआ है पूरे देश में? पूरे खराब हुआ है, आज जितना भी परिवार है, अच्छे अच्छे सब परिवार हैं,
वो सब फ़ोन करके कर रहे हैं, मेरा इज्जत प्रतिष्ठा पर धूमिल किया गया है। मेरा बेटी के पेपर में आ रहा है कि मेडिकल में है, कौन बेटी को हमको मेडिकल में है बता दे और उसका सर्टिफिकेट रद्द कर दे। ये सब झूठा मूठा दैनिक भास्कर छाप रहे हैं रोज दिन पेपर में कि संजीव मुखिया से संलिप्तता है। संजीव मुखिया से पूछा जाए कि प्रभात सिंह को पहचानते हो? अच्छा, पुलिस की मदद करेंगे सबको पकड़वाने में? बिल्कुल, हम तो दुए को के जानते हैं, हम किसको आओ बता सकते हैं। हम क्षेत्र में रहने के कारण सर, दनिया प्रखंड का प्रमुख रहा, तब मनीष को पहचानते हैं, सिग्रियामा पंचायत का है, आशुतोष को जिसको मैं किराया दिया हूँ। आपको लग रहा है कि इतने लाखों बच्चे जो है आज सड़क पर हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस तरह के प्रश्न पत्र लीक का मामला पटना में आया और पटना से जुड़ा हुआ नालंदा में जुड़ा हुआ है? आपको लग रहा है कि नालंदा का नाम, पटना का नाम, सबका नाम खराब हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल खराब हुआ, सबका अंधकार में जिंदगी कर दिया। जो अच्छे स्टूडेंट थे, जो भटक रहे हैं, सबका जिंदगी जो है समझे कि बेकार हो गई। तो आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, जहां तत्पर, जहां हमको बुलाया जाएगा, जहां हम जाएंगे सर। दीपा, आपने सुना प्रभात रंजन को, ये गवाही देने के लिए तैयार हैं। उस शख्स का नाम भी बता रहे हैं, वो शख्स का नाम भी बता रहे हैं जो इसमें संलिप्त है और जिनकी भूमिका है। तो जाहिर है कि पुलिस उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है, ये बड़ा मसला है। और इसके आगे की कड़ी जो है वो कैसे सामने आएगी? ये सारे जो किराएदार, किरायनामा, रेंट एग्रीमेंट है, ये बता रहे हैं कि ये बाकायदा रेंट एग्रीमेंट करके लर्न एंड प्ले, जो जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है, जहां बच्चों को रटवाया गया था, उसका एग्रीमेंट है। और ये जो आशुतोष है उसका एग्रीमेंट है। तो ये एग्रीमेंट पेपर्स वगैरह बता रहे हैं, खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन ये गवाही देने के लिए तैयार हैं। तो अब तक की बिहार से बड़ी खबर, पहला गवाह जो जिसने ये बताया है कि वो पुलिस का साथ देने के लिए तैयार है। दीपा, बिल्कुल ठीक है। आशुतोष और मनीष का नाम भी ये ले रहे थे प्रकाश, और ये कह रहे हैं कि दोनों के माध्यम से ही ये जो सारा खेल वहां पर हुआ कि अगर वाकई में हुआ क्या, तो आशुतोष और मनीष से पुलिस को संपर्क करना चाहिए। अब इन दोनों ही किरदारों के बारे में क्या पुलिस को जानकारी है, क्या पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है या फिर करेगी प्रकाश, इसको लेकर भी क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, जैसा कि प्रभात रंजन बता रहे हैं, जो एग्रीमेंट इन्होंने आशुतोष से किया था 2000 कितने में किया था? ये 2023 का है, रह रहा है 22 वाला एग्रीमेंट, 11 महीना हुआ तो उसको फाड़ दिए। और आप समझिए कि 2022 से आशुतोष वहाँ रह रहा था, और आशुतोष जो है वो इनके बदले में वहाँ पर किराया वसूलता था। जिस किसी को भी वहाँ पर किराएदार रखा जाता था वो अपनी मर्जी से रखता था, उसने अपने परिचित मनीष को दिया था, और मनीष जो है उसने पैसे के लोभ में आकर के उसने इस तरह के जो प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह हैं, जो गैंग है, उनको उसने दे दिया था। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि एक लिंक, दूसरा लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, सब कुछ जुड़ सकता है। अगर पुलिस इसमें आशुतोष और मनीष दोनों को अगर ग्रिल करेगी, दोनों के साथ जांच में इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ज़रूर और भी सारे मामले जो अब तक दबे हुए हैं वो भी खुलासा होगा कि और कितने लोग इसमें शामिल थे। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। प्रभात रंजन से आपने बात की, जो कि हॉस्टल के संचालक हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनको इस पूरे खेल के बारे में, इस धांधली के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। और आशुतोष और मनीष का वो जिक्र कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे।